कैंसर की बीमारी क्या होती है क्या आप जानते हैं? तो इसे कहते हैं हमारे शारीरिक कोशिकाओं का यानी कि ह्यूमन टिश्यूज का अनियंत्रित और अप्राकृतिक यानी कि अनकंट्रोल्ड और अबनॉर्मल तरीके से बढ़ना। एक मनुष्य बहुत सारे प्रकार के कैंसर से पीड़ित हो सकता है और कैंसर की बीमारी का इलाज आज तक हम नहीं खोज पाए हैं, लेकिन मेडिकल साइंस ने कुछ प्रकार के कैंसर्स का इलाज का खोज जरूर कर लिया है, लेकिन ये भी हर किसी के काम आ सकती है ऐसा जरूरी नहीं। अभी भी मैलिग्नेंट कैंसर यानी कि कैंसर जो शरीर के एक अंग से दूसरे अंग में फैलता है, इसका इलाज नहीं है। अगर हम आपसे ये कहे कि इस बीमारी की जड़ आप सबके घर में ही मौजूद है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? जी हाँ, हमारे अपने घर में। इस वीडियो के द्वारा हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जिससे आप अपने घर के उन चीजों को निकाल फेंक सकते हैं जो अपने घर से कैंसर की जड़ दूर कर सकता है। जाने अनजाने में हम इन चीजों का इस्तेमाल करके अपनों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और इन चीजों को फेंक दें। अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आज का गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपके घर में प्लास्टिक, कागज या स्टायरोफोम के कप्स हैं, जिसे आप ज्यादातर घर में बुलाए पार्टी के मेहमानों को या किसी पूजा या अन्य कारणों के लिए जब आप झटपट मेहमान नवाजी करना चाहते हैं तो आप इसका प्रयोग करते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि यही बड़े सुविधाजनक दिखने वाले कप्स कितने जहरीले होते हैं? ये कप्स के अंदर ऐसे कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपके शरीर में धीरे धीरे जहर का काम करते हैं, और अगर आप इसमें कोई गर्म पानी की चीज जैसे कि चाय या कॉफी देते हैं तब तो ये और भी विषकारी बन जाते हैं। आप अगर इन कप्स का प्रयोग सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं बल्कि बाहर आउटिंग में भी जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसे तुरंत रोक दें। डिस्पोजेबल ग्लास और प्लेट्स की जगह स्टील के बर्तन का ही प्रयोग करें। शायद आपको इसे धोना पड़े लेकिन ये कैंसर ग्रस्त होने से तो बेहतर ही है। अगर आप किसी और को भी इसे यूज करते देखते हैं तो उन्हें भी टोके, नहीं तो ये कैंसर किसी दिन एक महामारी का रूप ले लेगी। क्या आपने सोचा था कि आपके भक्ति के साधन में भी छिपे है कैंसर की जड़? इन सुगंधित अगरबत्तियों में पाया जाते हैं ऐसे कुछ तत्व जो म्यूटोटॉक्सिन, जेनोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक के नाम से जाने जाते हैं, और मेडिकल रिसर्च रिपोर्ट्स के अनुसार ये कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर को जन्म देने वाले तत्व है। भगवान हर किसी के उसमें बसे विश्वास को देखता है, फिर वो चाहे कोई भी धर्म या मजहब का हो। अपने विश्वास को जताने के लिए हमें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, खासकर ऐसी जो कि हमारे आने वाली नस्लों को पीड़ाग्रस्त कर देगी। अब ये तो ऊपर वाला भी नहीं चाहेगा, और भला हम ऊपर वाले को कुछ क्या दे पाएंगे? अपनों की और समाज की रक्षा में हाथ बटा ले बस इतना ही काफी है उसे दुआ पाने के लिए। तो इन अगरबत्तियों का इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। क्या आप इनके प्रयोग से हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए अपने जीवन की सारी जमा पूंजी गंवाना पसंद करेंगे, या इन अगरबत्तियों को छोड़ बच्चों के उज्जवल भविष्य में अपना योगदान देना पसंद करेंगे? फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। हम जानते हैं कि मच्छर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियां फैलाते हैं, इन्हें घर से दूर ही रखना चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं इन मच्छरों से भी अधिक हानिकारक कैंसर को आप खुला न्योता दे रहे हैं? जी हाँ, मस्किटो कॉइल के धुएं में भी कार्सिनोजेनिक यानी कि कैंसर पैदा करने वाले तत्व पाए गए हैं। मच्छर भगाने के और भी बहुत सारे उपाय हैं कुदरती और घर में आसानी से पाए जाने वाले वस्तुओं से, तो क्यों न हम इसे इस्तेमाल करें? आखिर आप अपने घर वालों की सेहत बचाने की ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद रास्ता गलत चुन रहे हैं। तो दोस्तों, मच्छर भगाने के घरेलू नुस्खों के लिए हमारे ये चैनल का वीडियो जरूर देखें। ऊपर आए बटन में आए लिंक को क्लिक करें। कैंसर जैसी बीमारी की सजा तो मनुष्य अपने आप को दे ही रहा है। शराब, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी जैसी जहरीली वस्तुओं का उपयोग करके, तो फिर अपने घर वालों तक इस बीमारी को क्यों पहुंचाए? स्टील के बर्तन होते हुए क्यों स्टायरोफोम वाली प्लेट से खाना खाए? जहरीली धुएं वाली अगरबत्ती और मॉस्किटो कॉइल से क्यों आने वाली नस्लों को कैंसर से जूझने पे मजबूर करें? हम शायद खुद के मामले में लापरवाह हैं, लेकिन अपने घर वालों को तो बचा लें। अगर आपके पास घर में पाए जाने वाली कैंसर से जड़ से जुड़ी और कुछ
भी जानकारी है तो हमसे और हमारे व्यूवर्स से शेयर जरूर करें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।